जी नमस्कार, मेरा नाम है आनंद वेश, उड़ीसा का है, बालेश्वर का है। और मैंने मेसी ये लिया था करीबन एक साल हो गया है इसका, और मेरा प्रोडक्शन करीबन 7 लाख 8 लाख का सेलिंग भी हो गया है। और इस मशीन का मैंने एक बेनिफिट देखा, बहुत फास्ट प्रोडक्शन है इसका, मतलब एक मिनट में मेरा करीबन 60 ईट निकल रहा है। और सबसे बढ़िया तो लगा इसका कोई मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे लोएस्ट कॉस्ट में इसका मेंटेनेंस भी हो जा रहा है। और इनका जो सर्विस दे रहे हैं देखिए, बहुत अच्छा है, फ्रेंडली मिलते हैं हम लोग को, फ्रेंड जैसा ही मिलते हैं बिहेवियर का। जो हाइड्रोलिक प्रेशर सबसे बढ़िया लगा इसका स्ट्रेस का मशीन, जो मेरा काली निकला हुआ ईट है, काल का ईट है, इसके क्यूरिंग भी नहीं किया हूँ मैं अभी भी, लेकिन इसका स्ट्रेंथ अभी भी देखिए फेंक रहा हूँ तो टूट नहीं रहा है, इतना स्ट्रेंथ दे रहा है। इसका हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत है, मतलब ऐसे मानिए जो मशीन में आप सीमेंट ज़्यादा दोगे तो स्ट्रेंथ आएगा, वैसा नहीं है। इसका जो प्रेशर है क्वालिटी बहुत है, अच्छा है, इसी वजह से ये टूट नहीं रहा है। बजाओ, दोनों को बजाओ, विक्स को बजाओ। और इसका साउंड देखिए, देखिए अभी मतलब काली बना हुआ है मेरा ईट, साउंड देखिए इसका, मतलब ऐसा लग रहा है 2 दिन के बाद इसको मैं डिलीवरी दे पाऊंगा। बढ़िया है इसका मिक्सर का जो पैन मिक्सर है, सबसे फास्ट भी चलता है। और इसका जो मिक्सिंग मेरा प्रोसीजर है, एक तो हो गया जो ये है तगाड़ी है मेरा, एक तरफ से तगाड़ी यूज करता हूँ मैं, और उसमें क्वांटिटी ऐसा है 9 तगाड़ी फ्लाइस डालता हूँ, उसमें 2 तरीका का मैं फ्लाइस यूज कर रहा हूँ, देखिएगा इधर, एक तो वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का आता है मेरा, एक तो वाइट कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है, उसको दोनों को मिक्स करके मैं बनाता हूँ। और उसके साथ में इसके साथ 53 ग्रेड का मैं रामको का सीमेंट यूज करता हूँ, और उसके साथ भी चूना मैंने भी किया हूँ, लाइम्स जो बोलते हैं। ये लाइन्स मेरा भिगा हुआ है, स्लाग लाइन्स बोलते हैं इसको, पानी में एक दिन पहले भिजा के रखते हैं, उसके बाद यूज करा जाता है इसको। और जिप्सम भी मैंने यूज करता हूँ, जो लाइन्स को गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए हम जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम में यूज करते हैं हम लोग। और पहले जो रेत, मतलब रेत 5 तगाड़ी में डालता हूँ, और फ्लायर्स हो गया 9 तगाड़ी डालता हूँ, करीबन 7 केजी डालता हूँ, और जिप्सम रह गया मेरा 4 केजी डालता हूँ, और केमिकल मेरा 200 ग्राम 100 ईट के लिए, इसका जो प्रोसीड्योर है मैं बता रहा हूँ 100 ईट के लिए। और चूना मैंने वैसे कुछ उसका क्वांटिटी, मतलब ऐसे केजी क्वांटिटी नहीं, वो तगाड़ी से मैं 2 तगाड़ी डाल देता हूँ, करीबन वो 14 केजी आसपास आ रहा है उसका। उसके बाद मैं मिक्सिंग करता हूँ, करीबन 10-12 मिनट मिक्सिंग करता हूँ, उसके बाद मैंने प्रोसीजर में डालता हूँ मशीन में, उसके बाद ईट निकलता है। देखिए मेरा ईट कैसे निकल रहा है, निकल के मतलब 2-3 दिन हो गया है मेरा ईट, तो 2 तरीका में ईट निकला हूँ, काला हूँ, एक तो थोड़ा व्हाइट का है, और एक थोड़ा मतलब ब्लैक, मतलब सीमेंट कलर का जो बोला जाता है वही है इसका, मतलब वही है, कोना वगैरह है, देखिए।